मैंने सोचा आज अपनी ज्वेलरी को निकाल के क्यों ना सब ज्वेलरी को मैं सेट कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी मेरी, हैंडमेड सारी ज्वेलरी थी जो मैं अब तक बना चुकी हूँ। उसके अलावा जो मेरे पास दूसरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बिल्कुल बराबर है। तो जब से वैसे मैं खुद बनाने लगी हूँ, मैंने वैसे ही ज्वेलरी लेना छोड़ दी है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बॉक्स को सेट किया, जो सारा उसकी लैस वगैरह सब उतर गई थी जो मैंने खुद बनाया था। तो फिर उसको मैंने यूएचयू से सेट किया। यूएचयू मेरी ख़त्म हो चुकी थी जो कि ना होने के बराबर थी। जैसे तैसे करके मैंने उसको दबा दबा के निकाला और उसके बाद हमने ज्वेलरी सेट करना शुरू कर दी। तो सब मैंने एक ज़रा शॉपर में ने डाले, और उसके अलावा जो दूसरी मेरे थी एयरिंग्स के अलावा नेकलेस वगैरह वो अलग में डाले। जैसे 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 मुझे समझ आता है कि वैसे वो डाले, किसी में मैंने दो भी डाले, एयरिंग्स सारी मैंने तकरीबन एक में डाल दी थी, क्योंकि पैकेट्स भी कम है ना, तो इतने पैकेट्स मैं कहाँ से लाऊंगी। इसलिए मैं एक में ज़्यादा सारे डाल के ना जुगाड़ लगा लेती हूँ। खैर ये वाली सारी रिंग्स मैंने बनाई हैं, तो ये मैंने सोचा चलो मैं सेट भी कर लेती हूँ और आपको भी सारी दिखा देती हूँ कि जो आज तक मैंने बनाई है। तो ये हेयर क्लिप्स हैं, तो ये भी मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने खुद बनाए हैं जी, बनाए हैं तो बनाए हैं। तो सारे एयरिंग्स को हम अलग पैक में पैक कर देंगे, और सारी ज्वेलरी को इसको पैक करते करते मैं थक गई थी, और मैंने कुछ ज्वेलरी अंदर से स्किप भी की, और इसकी मुझे स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ भी करनी पड़ी। मतलब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ज्वेलरी हो गई थी ना, तो इसको सेट करना और संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। है जब मैं बनाती हूँ साथ साथ ही इसको पैकेट में रख के तो मैं अलग अलग पैक कर देती हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना मेरे भाई के, वो नहीं जान छोड़ते। उनको कहीं ना कहीं कोई चीज़ नज़र आनी चाहिए, वो वहीं पे उसको पकड़ लेते हैं, और फिर जब मैं सामने ना हूँ तो फिर तो उनको खुली छूट मिल जाती है, सारी चीज़ें बाहर निकाल के फेंक देते हैं, और फिर मुझे ना सारी सेट करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो एक दफ़ा तो सेट कर ली है, चलो एक दफ़ा आपको दिखा के, चलो आपको सारी ज्वेलरी भी आप विज़िट कर लेंगे, देख लेंगे, और मैं अपनी ज्वेलरी सेट भी कर लूँगी। लेकिन जो मैं बैठी ना, बस मेरी तो बस हो गई कि मतलब इतना ही ज्वेलरी को पैक करना, फिर ये सारे ब्रेसलेट्स वगैरह, एयरिंग्स, लॉकेट्स, उसके अलावा जो सेट थे पूरे उनको अलहदा पैक किया, ज्वेलरी सारी माला वगैरह हर चीज़ को अलग पैक किया। ये वाला भी नेकलेस मुझे बहुत पसंद था, ऑरेंज एंड ब्लू, ये मुझे बहुत पसंद था। अभी मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसको पहना है, अभी भी मैंने घर में पहन के इसके ना मेरे ड्रेस के साथ में आया था, तो पहन के मैंने फोटोशूट बनाई थी। तो उसके बाद ये छोटे छोटे एयरिंग सब कुछ हम पैक कर लेते हैं, तो बहुत लंबा काम है, तो चलें आराम से इसको पैक करते हैं। चले हैंडमेड ज्वेलरी की बात करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ, और ये मैंने जैसे ये पहले भी बता चुकी हूँ, गिनी चुनी थोड़ी सी है मेरे पास, बस कुछ सेट हैं, कुछ छोटे मोटे एयरिंग्स हैं। तो जब से मैंने बनाना शुरू किए थे मैंने वैसे ही लेना छोड़ दी है, तो छोटी सी मेरी ज्वेलरी थी तो मैंने सोचा इसको भी सेट कर लेती हूँ। तो ये मेरे एयरिंग्स थे, ये मैंने लिए थे ईद पे, और ये भी काफ़ी पुराने हैं, तब तो ये ब्लैक होने शुरू हो गए, ये करीब मेरे पास सदियों से पड़ा, और मैंने इसे कभी भी नहीं लगाया। और ये छोटा सा लॉकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉलेज में बहुत टाइम में पहन के गई हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है बैंगल्स, जब ईद आने वाली थी तो ईद ही मिली थी मुझे। तो ये वैसे सारी ज्वेलरी मैंने अलहदा अलहदा बॉक्स में पैक कर दी, हैंडमेड अलहदा, आर्टिफिशियल अलहदा, बैंगल्स अलहदा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।